नमस्कार, मैं दिशा हटवार। बीसी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कोरोना की पार्श्व भूमि पर मनपा प्रशासन की ओर से शनिवार रविवार को अत्यावश्यक चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई थी, मतलब लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसी के चलते हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख और संजय मीरे ये महल और बर्डी में है, जहाँ पे ये चीजों का जायजा ले रहे। तो सबसे पहले क्षितिजा देशमुख, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे वहां पे बर्डी में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, कि किस तरीके की स्थिति वहां पे है। बिल्कुल, मैं शहीद गोवारे पुल जो बर्डी का है, बर्डी के मार्केट में मैं हूँ। आप देख पा रहे हो मेरे बाजू में जो है, ये बर्डी का मार्केट है। आज इसे पहचाना भी नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जनता कर्फ्यू है दो शनिवार और रविवार के लिए मार्केट बंद रखे गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि पूरा सन्नाटा छाया है बर्डी मार्केट में। लोग जो है कुछ काम से अपने घर से बाहर निकल रहे, बेवजह कोई भी घर से नहीं निकल रहा है। जिस तरह से मालक मंदिर द्वारा अपील की गई थी लोगों को, हमें लग रहा है कि लोग जो है नागपुर वासी जो है इस पर अपील को ध्यान में रखते हुए जो है आज इसका पालन कर रहे हैं। और जो यहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आम तो अगर यहाँ हम आते हैं तो इतनी यहाँ रश रहता है, यहाँ इतनी भीड़ रहती है, क्योंकि मार्केट एरिया होने की वजह से यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे नागरिक आते हैं। लेकिन आज जो है मार्केट बंद है और नागरिकों ने भी अलग मंत्री द्वारा की हुई अपील को ध्यान में रखते हुए उसे पालन किया है। बिल्कुल सही कहा क्षितिजा आपने। बर्डी एक ऐसा इलाका है नागपुर शहर का जो आमतौर पर भीड़ भाड़ से पूरा भरा हुआ था। लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, शनिवार या रविवार के दिन भी यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ रहती है। तो आज ये बर्डी पूरा शांत दिख रहा है। वही पुलिस प्रशासन यहाँ पे किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस का भी यहाँ दिखाई दे रहा है। पुलिस जो है अपनी ड्यूटी जो है, अपना कर्तव्य जो है निभा रही है। लेकिन जो नागरिक है, नागरिकों के द्वारा जो है जिस तरह से पालन इस पर किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जो पुलिस है, पुलिस को भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ वो अपना बंदोबस्त जो है बंदोबस्त में लगे हैं। लेकिन नागरिकों द्वारा भी किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं हो रही है कि मतलब जो अपील की गई थी या जनता कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी नजारा जो है अभी तक तो यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद क्षितिजा। संजय मीरे जी की ओर हम बढ़ते हैं। मीरे जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से महल में लोगों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। बिल्कुल दिशा, जैसे आपने फरमाया है, इस समय में हम बड़कर चौक में खड़े हैं, जिन्हें पंडित बच्छराज व्यास चौक के नाम से भी चौक को जाना जाता है। और ये मध्य भारत का ये वही चौक है जिस चौक से कई ऐसे, चाहे राजनीति हो, समाज कारण हो, या फिर कुछ बंद का असर हो, अक्सर जो बातें होती है इसी चौक से होती है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पैन करके बताइए कि देखिए, दुकानें पूरी तरह से यहाँ पे बंद दिखाई दे रही है। जिधर भी हमारी नजर जा रही है, सभी तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। यानी मी जवाबदार इस टाइटल के नीचे में राज्य सरकार द्वारा ये जो पहल छेड़ी गई थी, इसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से पालन करते हुए शहर के नागरिक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा जो बताया गया था कि शनिवार और इतवार यानी रविवार के दिन दो दिन साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद होंगे, और इसी के लिए पूरे बाजार पूरी तरह से बंद है। लेकिन एक तरफ बाजार तो जरूर बंद है, मगर जैसे ग्रोसरी की दुकान हो, या फिर कोई मेडिसिन की दवाई की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, या फल फ्रूट की दुकान हो, चाहे दूध विक्रेता हो, तो तमाम मूलभूत जो चीजें जो हर रोज लोगों को लगती है, इनकी पूरी दुकान थोड़ी बहुत मात्रा में जारी है, शुरू है। और एक बात मैं आपको दिशा बता दूं कि इस समय में इक्का दुक्का लोग ही इस सड़क से दिखाई देते हैं, जबकि इस सड़क से इतनी भीड़ भाड़ होती है कि अगर हमें कुछ महल चौक भी पार करना होता है तो तकरीबन 20 मिनट के आसपास लगता है। आज का जो दिन है कोरोना, लोग जो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इसका संक्रमण की रोकथाम करने के लिए पूरा जो सन्नाटा सा छाया गया है, तो लोग 2 मिनट का भीतर महल चौक पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शहर की जनता खुद ब खुद अब आगे आई हुई है, और ये काफी अच्छा एक पहल है, काफी अच्छी बात है
क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है, कई लोगों की अब तक के जाने जा चुकी है, कई लोग हर रोज पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुर शहर में भी धीरे धीरे कोरोना ने अपने पांव पूरी तरह से पसार दिए हैं। अब तक के अमरावती और बाकी शहरों की बात की जाती थी, लेकिन नागपुर भी अब अछूता नहीं रहा है, क्योंकि कोरोना का दायरा, कोरोना का संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। और कई ऐसे सेंटर्स है जहां प्रतिदिन हर परिसर के लोग जाकर अपने कोरोना की आरटीपीसी हो या बाकी की जो उनकी जो जांच है वो पूरी तरह से टेस्ट करवाते रहते हैं। रही मेरे जी, सही कहा आपने कि वो महल का जो इलाका है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका होता है और पूरा सन्नाटा आपके पीछे भी छाया हुआ देख सकते हैं हम। अत्यावश्यक चीजों के लिए लोग जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हाल ही फिलहाल में अभी हमारी थोड़ी देर पहले में महल कोतवाली के पुलिस अधीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले इनसे बात हुई थी। ज्ञानेश्वर भोसले जिसे हमने इस बात कई चर्चा की इस विषय को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाक चौबन पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। इंतजाम का मतलब है कि पुलिस की हर पैनी नजर है, जो मास्क नहीं पहनते हैं या जो 3 या 4 सवारी होकर जो अपने वाहन से चलते उनके ऊपर में कार्रवाई करने के संकेत उन्होंने दिए हैं। अगर कोई इस बीच खर्रा पान भी बेचता है तो उसके ऊपर में भी कार्रवाई की जा रही है। अभी पुलिस अलग अलग जगहों पे यहाँ पे पुलिस दिखाई दे रही है और पुलिस के आला अधिकारी से बात की थी तो पुलिस ने यही कहा कि हमारे जुरिडिक्शन में यानी पुलिस थाने के अंतर्गत ये महल और चौक से लेकर तमाम जो ये बहुत बड़ा एक दायरा है, ये उन्हीं के जुरिडिक्शन में आता है और पुलिस पूरी तरह से कामकाज कर रही है, ऐसा उनका कहना है। धन्यवाद वीरे जी, धन्यवाद, आपसे बहुत सारी जानकारी हमने हासिल की, धन्यवाद चितिजा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से आज नागपुर में जनता द्वारा इस लॉकडाउन का पालन किया गया, साथ ही किस तरीके से नियमों का यहाँ पे अनुसरण करते हुए लोग दिखाई दिए। इस हमारी पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।